इस वक्त पिंड सुनी दे विच मौजूदा जो जिला हुशियारपुर का बहुत ही मशहूर पिंड है, जिथे कि तकरीबन हुण नवी पंचायत चुनी गई आ, नवा सरपंच चुनिया गया। पिंड वालों एक फैसला किया गया कि पिंड दे विच कोई भी अगर नशा करता, नशा वेचता तो पिंड दे विचों कितने कितने बाहर हो जाए, पिंड दे विचों बाहर होकर नशा कर लिया जाए। साढ़े नाल सरपंच साहब मौजूद ने जो इस पिंड दे वागडोर वेख रहे हैं, हुण ही नवे सरपंच बने। सरपंच साहब पहला तो बहुत बहुत मुबारक थोनू नवी कमांड मुबारक। पिंड दे विच नवा डिसीजन लिता तुसी कि नशे नू ठल पाउण नू लैके, जे पिंड दे विच नशा रोकना तो असी पिंड दे विच लोकां नू कहता कि जां तां बाहर हो जाओ पिंड तों जां नशा छड्डो। ठीक है साडा डिसीजन यही है कि नशे दे नाल जिहड़ा बहुत वड्डे पद्धर ते पूरे पंजाब दे विच नुकसान होया, तो असीं जदों साडी पंचायत चुनी गई उस तों बाद बह के गल कीती कि भाई जे कोई इदां दा किसे दी जानकारी च है तो उन्होंने जिहड़ा आपां रोकना है, उसे रोकने लिए किहड़े प्रबंध करने आ, वो आपां फिर डिस्कस करांगे। पर जिथों तक सवाल आ नशे का, मैं वादे ना कहना कि पिंड जिहड़ा नशा बंद होया। मैं साढ़े पिंडां दे विच कुछ लगभग 10 किलोमीटर कोई इदां दा नहीं है जिथे सिंथेटिक नशा बिकदा। बाकी ड्रिंक तो आप अजकल आम ही हो गया, चाहे बीयर पींदा कोई चाहे कुछ करता, जिहड़ी सिंथेटिक नशे वाली कोई भी इदां दी साढ़े स्थिति आले दुआले नहीं आ। प्रबंध किस तरीके से सोच के बैठे हो, क्योंकि असीं बार्डरी इलाकों के वेख्या कि बार्डरी इलाकों में ना 10 जने की टीम बनाई हुई है, तो वह टीम पुलिस का साथ दिंदी है कि अगर कोई पिंड नशा करता है, नशा वेचता, वो पहला तो उन्होंने फड़नगे फिर उन्होंने पुलिस को फड़ाउणगे, कुछ इदां दा कुछ सोच के बैठे? नहीं अजे नहीं, अजे फिलहाल नहीं कोई भी, पर उदा मेरे अंदरों जी साड़ी पंचायत आ बड़ी वधिया पंचायत बनी आ, उस विच 2 लेडीज़ आ, 3 जेंट्स आ, चौथा मैं सरपंच। साडा ये आ कि जेडे माड़ा मोटा उत्पादिका बिकती सी जिथों तक मैनू लगता वह बंद हो गई, जिथों तक लगता, पर जिहड़ा भी कोई माड़ा मोटा रह गया उन्हों मैं दावे ना 100% कहना कि आप खत्म करा, जब तो चक के लै जूगा जा कितने अगे पिछे करके कर लेगा। जिवें पिंडां दे विच अजकल नौजवान ज़्यादा नशे दे आदि हो रहे हैं, जे नौजवान पीढ़ी तो लोग सेध लैणगे कि वह नशे की सेध लैणगे, ये भी एक वड्डा सवाल। पर आम तौर पर तुसी मन दे विच कुछ सोचा, कोई प्लैन होवे कि ग्राउंड के जरिए, ग्राउंड नाल जोड़ के जा किताबां नाल जोड़ के कोई सोचा हो? अध्यापक हाँ जी मेरे अपनी जिहड़ी प्लैन आ, क्योंकि पंचायत दे नाल ही चलनी है, मेरा यह है कि किताबां लाइब्रेरी शुरू कर दें, कर लेनी आ, तो उत्थे बच्चे बह के जिन्ने पढ़न वाले आ। तो दूसरा मेरा यह आ, जो साडी पिछली टर्म च असीं ग्राउंड लैके दित्ती सी वह ग्राउंड पिंडों दूर पैंदी आ कोई लगभग 1 किलोमीटर, वह बच्चे उत्थे जा नहीं रहे, तो मेरा यह आ कि उस ग्राउंड में आप चेंज करके भी 1000 रुपया सरकारी आ, तो साढ़े लागे हैगा उस ग्राउंड में डिवेलप करा के बच्चे उत्थे शुरू करिए, नवी एज जी जी तो फस गया वह दल से अपने कमां चाहे लेबर करते चाहे कुछ होर करते, उन्होंने तो औखा। पर जोड़े नवे न्याणे ना, मैं खुद भी खेडों का काफ़ी, मैं कबड्डी का बहुत इंट्रस्ट आ, कबड्डी मैं रहा है पढ़ा प्रायमरी भी रहा, तो उत्थे असी कबड्डी खो खो अथलैटिक्स बहुत जिले के स्टेट पद्धति भी लैके गए हैं, तो मेरी कोशिश है कि बच्चों इस पासे लाना। पिंड की कमियां ने जिस करके बेरोजगारी, जबकि एक सवाल यह भी है कि जब बेरोजगारी वधदी है तो नशा भी कितने कितने नाल जुड़ जाता है, कोई सोचा गा कि बेरोजगारी दूर की जाए, नौजवानों खेती नाल भी जोड़ा जाए, क्योंकि जो खेती करेंगे तो कितने कितने फायदा हौली हौली होगा भी, बूर हल हौली हौली पैदा। साढ़े जड़े ना जिमीदार लोग आ जिन्हों को लैंड आ, उन्होंने बच्चे लगभग बाहर चले गए, जेड़े कुछ बचते तकड़ी खेती करते वधिया ढंग और नशा रहित, कोई नशा नहीं। तो जिहड़ा साडे समाज, मैं ऐसी समाज तो आ, धर्मी बरादरी चो हाँ, साढ़े जिहड़े बच्चे आ ज़्यादा करके लेबर करते, जिहदे विच मिस्त्री, टाइल मिस्त्री, लक्कड़ मिस्त्री, लगभग वह न्याणे जिहड़े उन्होंने 50% तो मैनूं लगता नशे दे नेड़े नहीं जाते, जिहड़े 50% वह भी मतलब तुसीं इह कह नहीं सकदे वी कुछ खांदे पींदे आ, लुके छिपके जां कितें अंदर बाहर। सो मेरा यह है कि जिहड़े भी बच्चे जिन्ने कु भी साडे कोल बचदे आ, जिन्हां ते माड़ी मोटी हैगी आ, उन्हां नाल कोशिश करांगे कि उन्हां नूं बई तुसीं भी पासा छड के कुछ चंगे पासे आपां लगीए, क्योंकि नशियां दे आफ्टर आल तां नुकसान ही होणे हुंदे आ, नशियां दा कोई लाभ कोई दूजा तां होणा नहीं, हर पक्ष तों नशा नुकसानदायक आ। तो इस करके साडी कोशिश है कि जिहड़े भी हैगे आ उह सारिआं नूं आपां प्रेरित करांगे, समझावांगे और कोशिश करांगे। जिवें पंजाब दी विधानसभा दे विच भी अफीम नूं लैके, अफीम दी खेती नूं लैके एक
वॉइस रेज की गई सी कि इस लीगल किया जाए तो जो कितने कितने सिंथैटिक नशे बंद हो सकते थोड़े की विचार मेरा विचार भी यही है कि सिंथैटिक नाल तो चीज़ा ठीक है ऑलरेडी ये लोग पहला चल रहा है बहुते पुराने बजुर्ग वो ये चीज़ा नशे लै रहे थे चाहे वह कितों लै रहे थे कितों की कर रहे थे अलग चीज़ सी पर जे वो नशे जिदा शराब भी नुकसानदायक हैगी तो शराब नाल दो चीज़ा ठेकियां कर देन आमदन का साधन भी लोगों की जी लुक छिपके वाली भी चोरी वाली भी हो जाएगी सस्ती भी मिलेगी और वधिया भी मिलेगा इस करके जे ये ठेके खोल दें दूर दूर खोल दें कोई जरूरी नहीं जो आम खोलियो आ कि शहर च हो किसी तहसील च हो किसी इतों अपना लिया के कर ले पूरा पर यह नशियां तो बचा जा सके जो जानलेवा साबित होंगे ये जो दोहे नशे जिन्हों की तुम गल मैं तो इन्होंने बहुता पता ही नहीं क्यों कहते टेस्ट नहीं देखा ये दो नशिया के कम ज्यादा करेगा ठीक है तो इस करके जे हो जाए तो मैं तो समझना बैटर हाँ जे कि पिंड पद्धर से नहीं है तो सरकारी पद्धर से बीजी जाए उसकी खेती की जाए और जिदा ठेके चल रहे सरकारी ठेके हो जिनी किसी ने चाहिए लै लवे ताकि जी पुलिस की सिरदर्दी भी घटनी है फड़ोफड़ाई करनी केस करो अदालतें जाओ वो भी घट जाना दूसरा जोड़े बंदे आ शरेआम अपनी मर्जी ना थोड़ी खा लै लैन बहुती लैन पैसे दे के सरकारी देते मिल लिया सो एक हल है सिंथैटिक नशियां नूं रोकण लई इह दोए नशे जिहड़े आ उन्हां दा जे बण जावे तां मैं समझदा काफ़ी हद तक सिंथैटिक नशे बंद हो सकदे आ और उन्हां दी खात्मा हो सकदी पिंड दे विच नशा तस्कर ते ठल पाउण दी कोशिश कीती जा रही है जां नशा करदा गा उहदे ते क्योंकि दोवें वखो वखरे ने जे नशा करदा फड़ लईए तां नशा तस्कर भी फड़िया जा सकदा गा नशे वाले नूं कितने कितने नशा छड़ाओ केंद्र दे जरिए जां किसे खेडां जरिए उहनूं बाहर कढ़िया जा साडे मेरी अपनी जानकारी साढ़े नशा तस्कर कोई नहीं है आले दुआले भी है नहीं जेडे नशा करते मैं तो गल की सी कि वो लोग सिंथैटिक नहीं है छोटे मोटे करते शायद कोई गोलियां लगता पता भी एक दो बच्चे गोलियां खाते उत्ते बाद दारू जी शराब आ ड्रिंक आ शराब वो शराब जी वधिया नहीं पी रहे शराब जी वधिया नहीं पी रहे क्वालिटी नहीं पी रहे जिहड़ी सब तो हल्की शराब ठेके की होंदी आ उह पींदे जिहड़ी कि उह उहनां नशियां वर्गी आ उहदे विच वी कोई ना कोई दस्सदे आ वी कैप्सूल वगैरह जां कोई इदां दी चीज़ पै रही आ जिहड़ी उदां ही नुकसान करदी आ क्योंकि खा पींदे भी सुक्की आ बिना कुछ खाण पीण तो बिना कुछ दूए तो सारी दिहाड़ी कम करना लेबर करनी चाह दो चार बजे पीनी शाम नूं नशा पी लैणा ते उहदे जिहड़े बुरे प्रभाव मैं समझदा वी उन्ने ही पैंदे आ जिन्ने सिंथैटिक क्योंकि तुम एज देखो बच्चे की जी 40 साल की एज इदा लगता 60 साल का जरा 30 साल का 25 साल का बच्चा इदा लगता भी जिदा 50-60 साल का रात में कित गैस कर लो एडमेडिकल गैस गया तो उन्होंने रौला तीवी आदमी का लेडी कहती शराब छड़ दे तो मैं रहना उन्होंने कहा कहना जी मैं घट कर दी छट नहीं होनी घट कर दी मैं वादा करना कि महीने के बिच मैं दारू बंद कर तो यह प्रेरित ही आ असी उन्होंने किया उन्होंने कोई डराया धमकाया जा कि होर कुछ उन्होंने समझाया भी गल्ला खरिया नहीं जी है ड्रिंक हैगी शराब हैगी कला एको प्रभाव नहीं तो एंजॉय एंजॉय तो करती है थोड़े समय लिए पर ये नुकसान जोड़े समाजिक भी है आर्थिक भी है तो घरेलू भी आ ठीक है वह मन गया बंदा वो कहना जी भी मैं मतलब तुम मैं महीना एक दे दो अपने घर वाली ना कमेट किया उन्हें मैं एक महीना दे दे अधिया पीना पाइया करूँगा पाइए तो घट करूँगा और दिन तो इस करके तो हो सकता है जे पिंड जब तुम क्या नशा चलो है नहीं गा ना हो भी अरदास करते हैं पर कितने कितने पिंड के गेट से एंटर ना हो पावे उस दे बावजूद कोई सोचा गा कि पिंड दे विच ना वड़ सके नशा जो मर्जी हो जाए क्योंकि आम तौर पर एक कह सकते एक बंदे नाल सारा खराब सर मेरी ये प्लैनिंग है कि कुछ थावां दे उत्ते लोगों को कह के कैमरे लवाए जाण कुछ ने लाए वा रोड के उत्ते कुछ नूं कह के आप कैमरे लवा दईए ताकि कैमरा दे जिहड़ा वाहला परसन आता है वाहला व्यक्ति आता तो उन्होंने देखा जा सके चैक किया जा सके ये इदा का प्रबंध मेरे अपनी सोच हैगी कि आप कैमरे जिहड़े भी लोग रोड के उत्ते उन्होंने सारे कहने भी एक एक कैमरा लवा दो ताकि जो आने जाने वाला बंदा पछाण हो जाए बाहरों कौन पर मेरी अपनी जानकारी इदा का नहीं आ नहीं पिंड गल बनी जाती पिंड ही रहने मैं कहना इतने रहना तो मतलब इदा की कोई नहीं कोई बाहरों आके देन जाता ज कोई कित है किसी के लिंक इदा की कोई कहानी नहीं तो लगातार हुण पिंड नशा नू लैके हुशियारपुर के पिंड एक आवाज़ बुलंद की जा रही है कि
पिंड दे विच अगर कोई नशा करदा व्यक्ति या नशा तस्कर है तो उसनू पहली सीधी नवे सरपंचा की वार्निंग आ, जा पिंड छड़ दो जा नशा छड़ दो जा नशा वेचना छड़ दो, सीधे तौर पर वार्निंग दी गई आ। हालांकि कुछ पिंडां दे विच नशा बिल्कुल ही है नहीं, कुछ पिंडां दे विच हैगा ते काफ़ी ज़्यादा है, पर सरपंचां ने नवे सरपंचां ने आपदे पद्धर ते एक वार्निंग दे दी गई आ कि नशा पिंड दे विच असी वड़ नहीं देना, साढ़े हुंदे आ नवी पंचायत बनी आ नशा वड़ नहीं देना, ये एक घुण की तरह जे एक लग जाए कितने कितने बहुत सारी नौजवान पीढ़ी नूं भी खराब कर दिंदा। नाल ही बहुत सारी गल्लां दा जिक्र भी किया कि नौजवान पीढ़ी नूं मैदानां दे नाल किताबां दे नाल जोड़ के नशे तो रहत जिहड़ा कि बना के रखा जाए।